यह हमारा ईद मिसमी का ग्रेवियर्ड है, तो यहाँ में दिखाया गया है किस किस तरह ईद मिसमी में जो ग्रेवियर्ड को बनाया जाता है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं पूरा सारा सामान है, सामान भी रखा गया है हमें, जितना भी वो जब जीवित रहते हैं वो समय में जो भी सामान यूज़ करते हैं उसको पूरा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा, और वहाँ पर एक आपका देख सकते हैं वहाँ पर एक नानी जो बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सब है आपका ईद मिसमी का जो ट्रेडिशनल वे जो ग्रेवियर्ड है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ इस तरह होता है। नानी का बर्गर अपना मतलब अपना आपका सामने रियलिस्टिक हो घर में, तो फिर नहीं ओरिजिनल जैसा लग रहा है ना, लेकिन कितना आदमी तो डर जाता है, आदमी देख डर जाता है, बच्चे लोग डर जाते हैं। हम आ पहुँचे हैं रिवाज पे, तो ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस गेट पे ही है अभी हम लोग। तो अभी हम रिवाज के अंदर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं म्यूजियम पे क्या देखने को मिलेगा आपके साथ। तो व्यूअर्स, मैंने अपना स्कूटी को यहाँ पार्क कर दिया है, तो अभी आते हैं तो यहाँ पार्क कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ आगे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो ये है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये है म्यूज़ियम, यही है म्यूज़ियम, ये देखिए ये म्यूज़ियम है। इसके बाद अभी हम लोग इसी के अंदर जाने वाला है म्यूज़ियम पे, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस, तो यहाँ से अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे। तो चलिए, इसको क्या होता है अशोका ना, क्या पता अशोका, तो ही आ गए हम आखिरकार। सुन निकाल क्या दोनों हम पकड़ देंगे तो तुम करो, नहीं नहीं होगा कोई बात, बाद में हम देंगे। तो गाइस अभी हम आ पहुँचे हैं म्यूजियम, तो यहाँ में हम लोग का रिसेप्शन है वही, तो ये है हमारा पेयान नाबा। तो नू बताएगा इसके बारे में पूरा, नू बताएगा हम लोगों, आप ही को बोला तो फ्री है ना आपके लिए ना, ये भी तो मेरे हैं, ये भी अपने का तेरे चलना तो बहुत लकी है आज इसको बोलने दो ना। बस्ती में लाइक हमारा, हम तो बस्ती बहुत करीब है मेरे यहाँ बस्ती ना, तो हमको चांस नहीं लगता बस्ती वालों को। मैं बता दूं आपको, ये है माउंटेनिंग का जो सामान है, जो कि अरुणाचल का बहुत ही नामी जो आपका किसका था ये तीन महीना, अच्छा श्रीमती तीन महीना, ठीक है। तो श्रीमती तीन महीना जो हमारे अरुणाचल से जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, तो उसी का जो ड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो माउंटेन क्लाइम करने से क्या क्या ड्रेस यूज़ करते हैं ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ में देखिए ये है आपका गैस जिसको यूज़ किया गया है सारी लोग, उसके लिए हमें बहुत सारा आपका उसका शू है, उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा भी है। उसके बाद यहाँ पे आपका बहुत सारा चीज़ जो आपका इक्विपमेंट जो यूज़ करता है माउंटेनिंग का समय, जो इक्विपमेंट यूज़ करता है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये म्यूज़ियम आते हैं तो ये म्यूज़ियम आप सभी को पता है, ये रिवाज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप आइए, ये स्लीपिंग बैग है, तो ये जो स्लीपिंग बैग है और जितना यहाँ पे आप देख रहे हैं शू है, उसका यहाँ में कुछ कुछ आपका सामान है जो
ये सभी मतलब माउंटेनिंग का समय जो वो यूज़ किया था, तो उसको यहाँ पे अब जो है डोनेट कर दिया, तो अब यहाँ पे रखा हुआ है इसको अच्छी तरह से। तो अब भी आइए यहाँ पे, आपको भी ये सुनहरा मौका मिलेगा ये देखने के लिए। अरुणाचल का ही, और ये मेघालय का है। तो ये सब अरुणाचल का है ना? हाँ, ये अच्छा, ये सब अरुणाचल का है, ये जितने भी ड्रेस आप देख रहे हैं। उसके बाद ये है मेघालय का, ये कहाँ का है? मेघालय, ये मेघालय का है, मिजोरम का है। तो ये मेघालय का है, और ये आपका मिजो का ना, और ये त्रिपुरा का है, ये त्रिपुरा का ना। तो यहाँ पे लगभग सभी जितना भी आपका नोटिस का जितना भी आपका ड्रेसेस है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये तो आपका हमारे ईद उल मिस्मी का ड्रेस कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे यहाँ पे अच्छा, ये क्या है? नाइन जब देश आजाद नहीं होने से पहले का जो क्वीन एलिजाबेथ का जो ये है ना सरताज, ये देश आजाद नहीं होने से पहले का ना, देश आजाद होने के बाद ये अशोक चक्र आया है जो जुडिशियल, इससे पहले ये था ना? हाँ, उससे पहले ये था। ये ब्रिटिश रूल का समय था, ब्रिटिश रूल का समय। उसके बाद ये आफ्टर इंडिपेंडेंट का बाद में इंडिया का। और ये आहोम और अरुणाचल का बाउंड्री वॉल, तो ये है ना? ये डेमोक्रेशन का, ये तो कॉपी है, इसका ओरिजिनल जो है कजरा का पार्ट में, कजरा का पार्ट में। और ये तो सब हिमालयन स्टोन है ना? तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये है हिमालयन स्टोन। यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का जो हिमालय में जो पाया जाता है वो स्टोन को रखा गया है। यहाँ पे आप ये देख ही सकते हैं यहाँ पे दूसरा। ये हम लोग का जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, ये आपका हाल है, वो नांगल है, और ये आपका ये क्या बोलता है हबीदाव है, और ये टोपी है। यहाँ में जो देख रहे हैं सब एग्रीकल्चर का ही चीज़ें हैं ना यहाँ पे ना? ये आपका दाव है, दाव है, और ये आपका पुदन है, ये सब है, ये सब। और ये हम लोग का आहिप्रा बोलता है इसको, ईद में ना, और ये आपका मछली जो ट्रैप करता है वो हम क्या बोलते हैं, ये आपका असम में बोलने से तो इसको जो मछली छापे होते छापा। और ये आपका मतलब यहाँ में ज़्यादातर जो भी देख रहे हैं ये सब फिशिंग के लिए ही मतलब यूज़ किया जाता है ये सब सामान ना, जितना भी देख रहे हैं ये सब, ये देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ड्रम्स, ऊपर में खासी ड्रम है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये तो बॉली दिया हुआ है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया। ये है खोल, बहुत सारा चीज से आपको दिखने मिलेगा, ये ड्रम्स ही है सब कुछ। ये सब क्या है? और ये देखिए, तो यहाँ में लगभग सभी अरुणाचली का जो पिक्चर्स है फेस है उसको यहाँ पे लगाया गया विद द पीपल ऑफ नोटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ब्यूटीफुल पिक्चर्स है यहाँ पे जो कि वॉल पे लगाया गया है। यहाँ पे देखिए गाइस, और ये आपका वार हेड्स है। अच्छा, आपका इसमें धनुष है, तलवार है, अच्छा अच्छा, जैंतिया का है, मेघालय दाव है, उसके बाद हंगडोंग क्वीन का दाव है, मोतक का दाव है, ईद मिस्मी का दाव है, खांसी का है, और खामती का है, हेंगलोंग किंग का है। यहाँ में लगभग सभी मतलब आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी ट्राइब है उसका वेपन्स जो हथियार जो ना दाव जो यहाँ में देखने को मिलेगा ना, ये आप देख सकते हैं गाइस। ये है सभी जितना भी नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का लोग ये दाव को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग प्रकार का दाव आपको देखने को। और ये क्या चीज़ है ना? ये आपका रेखा, उसको रेखा बोलते हैं ना एक्चुअली। ये ईद में जो रेखा बोलते हैं, लेकिन अलग में तो हम लोग इतना आइडिया नहीं है, तो ईद में इसको रेखा बोलते हैं। ये भी एक टाइप का वेपन ही है ना, पहले का जो गन टाइप का ही है, तो वार हेड्स है ये सब स्पेशली जो ये दाव को जो वार में यूज़ किया जाता था। और ये सब क्या है? मार्क्स ना, मार्क्स नोटिस में जो आपका फेस्टिवल में जो यूज़ किया जाता है वो सब मार्क्स आपका बहुत अलग अलग कलर का ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये क्या है, घोड़ा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये जितना आप देख रहे हैं ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, आप देख के पता कर ही सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे देखिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली ये नोट इसमें ही यूज़ किया जाता है ये सब इंस्ट्रूमेंट। ये जो ना, तो ये हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, जो घरेलू जो सामान है जो यूज़ किया जाता है। क्या क्या चीज़ है ना ये सब चीज़ ना, समझो। और ये सब बर्तन है, बर्तन ना,
जैसे जो घर में यूज़ किया जाता है वो सामान है उसका। ये आपका लामा का है, तीन ट्रैक का बुद्धिज्म है। अच्छा, एक आपका बुद्धिज्म और सेक्रेट जो एशिया इंडिया का है, और एक हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का जो बुद्धिस्ट है वो है। अच्छा, और एक जो है महायाना बुद्धिज्म, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस ये है आपका बुद्धिस्ट का जितना भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके बाद जो ड्रेसेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेस है तो ड्रेस। उसके बाद ये जो आपका हेड कैप है ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो यही है जो आपने देखा अभी फिलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है म्यूजियम, नॉर्थ ईस्ट म्यूजियम है। उससे पहले हम गया था आपका अरुणाचल म्यूजियम। तो ये है आपका म्यूजियम, खत्म हो गया कहानी। चलो अभी पकते हैं अभी। चलो तो अभी हम चलते हैं वापस। बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ के। वो ये क्या राइनो छुपी राइनो? इंटरनेशनल भी बनाया क्या? नहीं बनाया, बनाएगा बोला है। वो ये क्या था ना, ये तो धान पिसने वाला ना, ढेकी। तो गाइस देखिए हमें ढेकी, जिससे धान मक्का को पीसा जाता था पहले। ये देखिए ये बनाया ना, ये पहले से ऐसा था, ये तो बनाया क्या ना, सब नकली सब प्लास्टिक है। और ये क्या फिर? ये है लॉन्ग ड्रम नोकते वांगसूस। इसमें धान को पीसा जाता था ना कुछ किस तरह, वो फेस्टिवल में बजाता है किसको, वो हमको लगा धान पीसते इसमें। चलो तो हो गया, जाएंगे। ये सब क्या था? तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जी को कि हमें यहाँ पे फ्री में मुफ्त में यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारे को देखने को दिया। इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया।